अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। अक्सर बाप दादा महावाक्यों में कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण को यह स्लोगन पक्का कर लेना चाहिए कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज बाबा इससे भी आगे लेकर जा रहे हैं। बाबा ने कहा, जो अपने को निमित्त आत्माएं समझते हैं उनका स्लोगन ये होना चाहिए कि जैसा संकल्प मैं करूंगा वैसा ही मेरे संकल्प से वातावरण बनेगा, क्योंकि संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। फिर बाबा ने कहा, कर्म तो मोटी बात है, अब तुम्हें अपने संकल्पों पर भी अटेंशन देना है। इसे हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प बीज है। तुम जो भी संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। अगर संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो उससे कभी भी पावरफुल फल का अनुभव नहीं हो सकता। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ जाता है तो यह भी बड़ी भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भूल भी महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, निमित्त आत्माओं की स्मृति तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना सको। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।